Hi guys and welcome back to my YouTube channel. आज की video बहुत important और special है क्योंकि ये video probably मेरे channel की सबसे highly requested video है, which is how to get into Google. So Google, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा ex employer है. मैं Google India में 2.5 years I worked there और मैं almost 2 years ago I quit my job. बिग बॉस में पार्ट लेने के लिए एंड टुडे आई एम जस्ट बेसिकली गोइंग टू कवर एवरीथिंग दैट आई नो जो आप फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में टू गेट इनटू अ कंपनी लाइक गूगल एंड सम प्रैक्टिकल टिप्स ऑन हाउ आई मेड इट एंड हाउ यू कैन मेक इट टू. सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं गूगल जैसी कंपनी या गूगल इन इट सेल्फ को ज्वाइन करने में, देन कंटिन्यू वॉचिंग एंड ऑफकोर्स डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन गाइज. लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली मैं कवर करना चाहूंगी माई जर्नी कि मैं गूगल में कैसे गई, ताकि उससे आप कुछ सीख पाए एंड देन वी विल कवर हाउ यू कैन गेट इन टू गूगल और द स्टेप्स टू गेट इन टू गूगल. आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. मेरे कॉलेज का नाम है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो वन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटीज एंड प्रॉबेबली वन ऑफ इंडियाज बेस्ट बिजनेस स्टडीज कॉलेजेस हैं. मेरे ग्रेजुएशन कोर्स का नाम था बैचलर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज और ये 3 साल का कोर्स है जैसे ग्रेजुएशन होती है. और एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर हर कॉलेज की तरह हमारे कॉलेज में भी प्लेसमेंट्स होती हैं, जिसका मतलब है कि कंपनीज कम ऑन कैंपस और वो आपको रिक्रूट करती हैं. गूगल हमारी कैंपस में आता था टू रिक्रूट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोफाइल. तो अंडर ग्रेजुएट प्रोफाइल मतलब जो 3 साल ग्रेजुएशन करके बच्चा निकला है उसका प्रोफाइल जो होता है उसे अंडर ग्रेजुएट प्रोफाइल कहते हैं. और वो सिर्फ एक प्रोफाइल है गूगल में, बाकी सारी प्रोफाइल्स या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हैं या एमबीए स्टूडेंट्स के लिए हैं. तो अगर आप एमबीए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में से एक हैं तो भी आप ये सुन सकते हैं. हम अंडर ग्रेजुएट्स थे. हमारे साल में गूगल हमारे कैंपस पे प्लेसमेंट करने नहीं आए, हमसे 1 साल पहले वो आए थे. तो मेरे जो सीनियर्स थे 1 साल सीनियर्स, वो गूगल में थे एंड दे टोल्ड मी दैट गूगल इज रिक्रूटिंग, लेकिन इस साल वो कैंपस पे नहीं आ रहे हैं. दे आर ओनली डूइंग रेफरल्स एंड रेफरल्स मीन्स दैट दैट अ सीनियर और एन एग्जिस्टिंग गूगल एम्प्लॉय कैन रेकमेंड अनदर कैंडिडेट और अ जूनियर टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन गूगल. सो वन ऑफ माई सीनियर्स रेकमेंडेड मी, आई अप्लाइड, आई गॉट थ्रू द टेलीफोनिक इंटरव्यू, देन आई डिड 3 more rounds of interview and after the 3rd round of interview मैं recruit हुई into the profile of associate account strategist in small and medium business services in Google India in Gurgaon, which was the first and the only job of my life which I'm super proud of. So ये थी मेरी journey और मैं कैसे इस company में घुसी. अब मैं बताऊंगी कि आप गूगल जैसी कंपनी में कैसे घुस सकते हैं. मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं, सो लेट मी बी वेरी प्रिसाइज अबाउट इट, क्योंकि जब से मैं बिग बॉस के घर से बाहर आई हूं तब से यू गाइज हैव बीन आस्किंग मी. स्टेप नंबर 1, पता कीजिए कि आपकी जो डिग्री है या आपकी जो क्वालिफिकेशन है उस डिग्री या क्वालिफिकेशन के लोग गूगल लेता भी है कि नहीं. सो इफ यू आर एन अंडर ग्रेजुएट जस्ट लाइक आई वॉज, फिगर आउट कि गूगल कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोफाइल के लिए रिक्रूटमेंट कर भी रहा है कि नहीं. टू फाइंड आउट इफ गूगल इज रिक्रूटिंग फॉर योर क्वालिफिकेशन और नॉट, द सिंपल एंड द ओनली स्टेप इज टू गो टू google.com/careers. मैं उसका लिंक यहां पे छोड़ूंगी ताकि आप लोग उसको खोल पाए. उस पे गूगल इंडिया एंड गूगल वर्ल्ड वाइड की हर जॉब ओपनिंग हो वो google.com/careers पे होगी. सो उसमें आप फिल्टर्स डाल सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं, अपनी कंट्री अपनी स्टेट की प्रेफरेंस डाल सकते हैं जहां पे गूगल का ऑफिस है. अगर वहां पे आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको एक जॉब ओपनिंग दिखती है तो आप वहां पे ऑनलाइन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. कोई भी अप्लाई कर सकता है, वेरी वेरी सिंपल. द सेकेंड वे टू अप्लाई is to go through referrals. Referrals mein kya hota hai that if you know someone who is working in Google currently, you can ask them to search Google careers through their internal system, and if they figure out a profile which they feel is suitable for you and you meet the qualifications for that, to wo aapko refer kar sakte hain. Jiska ek slightly advantage ye hota hai ki agar ek internal googler aapko refer kar raha hai, so your chances of you know getting at least an interview is higher. But having said that, they still will look at your resume. वो फिर भी आपको एक normal candidate की तरह consider करेंगे और अगर उन्हें आपका resume अच्छा लगा तो ही वो आपको बुलाएंगे. The third way is campus recruitment. अगर Google आपके कॉलेज के कैंपस रिक्रूटमेंट्स में, जो कि कैंपस प्लेसमेंट्स भी कही जाती हैं, उनमें आता है तो आप अपने कैंपस प्रोसेस से अप्लाई कीजिए, अपने कॉलेज से डायरेक्टली अप्लाई कीजिए एंड अगर आप क्वालिफाई होते हैं आप अंदर हो जाएंगे. फोर्थ एंड
probably the last way that I know of to get into a company like Google is through internships. So agar aap careers page pe jayenge, wahan pe ek internship ka option alag se hota hai jisme aap ek summer internship ke liye apply kar sakte hain. Agar aap college mein hain ya aap apne postgraduate mein, undergraduate mein, MBA mein, jisme bhi hain, summer internship programs hote hain. Undergraduate shayad bahut kam hote hain ya ab nahi bhi hote hain, but postgraduate to definitely internship programs hote hain. Agar aap intern karenge 2 mahine ke liye, Google aapko stipend pay karega, aur agar unko aap acche lage to wo aapko shayad internship se permanent offer de dein after you graduate. So these are the four ways in which you can get into a company like Google. So an alternate option is to approach a Google recruiter. मतलब कि Google के HR department, जो HR department होता है, human resources department, is the one which is responsible for getting people, for interviewing people and getting them onboarded as Google employees. So अगर आप किसी Google recruiter को जानते हैं, किसी HR person को Google में से जानते हैं, तो आप उनसे बोल सकते हैं आपको या तो refer करने के लिए या आपको बताने के लिए कि कौन सी job opening है, and through that again you can apply and sit through the whole process. Process सबके लिए same रहेगा. Google ऐसी company है जो किसी के लिए भी differentiate नहीं करती that you know this person is more qualified or that person is less qualified. Google is very fair when it comes to the process. Let's say आपने इनमें से किसी भी एक वे में गूगल में अप्लाई कर लिया एंड यू सेंट योर सीवी एंड योर सीवी गॉट सिलेक्टेड एंड आपको कॉल आ गई. आपका फर्स्ट एक मोस्ट प्रोबेबली टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, नहीं तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. सो नाउ लॉट ऑफ पीपल विल आस्क मी कि ओके इफ आई गेट अ कॉल टू अ कंपनी लाइक गूगल टू बी इंटरव्यूड, वॉट ऑल विल आई बी आस्क्ड, हाउ कैन आई you know crack it, how can I make it. So aapko ek cheez yaad rakhni hogi that your resume needs to be flawless, it needs to be really really good. You have to show apni academic strength, aapke school scores, aapke college scores of course, and aapko dikhana hai apne extra curriculars kya kiya, apne extra projects mein kya part liya, because Google really looks at a holistic perspective. Google aapko puri tarah se 360 degree se dekhna chahta hai. अगर आपकी क्वालिफिकेशंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस मैच कर रहा है तो शायद मोस्ट प्रोबेबली आपको कॉल आएगी, बट अगेन सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा नैरो होता है, बहुत कम लोगों को वो कॉल आती है. तो अगर आपको वो कॉल आई है तो ये टिप्स फॉलो कीजिए, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई लर्न्ड आफ्टर इंटरव्यूइंग विद गूगल कि वो क्या क्या चीज़ें कंसिडर करते हैं. बाय द वे गाइज, आई इन माई सेकेंड ईयर ऑफ वर्किंग आई ऑल्सो हैड बिकम अ इंटरव्यूअर. मैं इंटरव्यूज लेना की ट्रेनिंग शुरू कर रही थी गूगल में, और मैं ऑलमोस्ट उस स्टेज तक पहुंच गई थी जहां पे मैं खुद गूगल के एक राउंड ऑफ इंटरव्यूज लेने लगी थी. सो या मैं भी गूगल के रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट थी, इसलिए मुझे इस बारे में तो बहुत क्लियरली पता है कि अगर आपको इंटरव्यू कॉल आती है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है टू मेक श्योर दैट यू गेट इट. Being googly, ये चीज़ शायद आपको बहुत कम लोग बता पाएंगे, सिर्फ वही लोग बता पाएंगे जो Google जैसी कंपनी में काम कर चुके हैं, just like me. Being googly means having that X factor. Google में जो X factor होता है उसका अलग शब्द होता है being googly. Being googly means having the positive attitude, having the attitude to change. You know, ये Google को वो लोग नहीं चाहिए जो रट्टू तोते होते हैं कि सुबह 9 बजे आए, शाम को 5 बजे गए. उन्हें चाहिए vibrant लोग, उन्हें चाहिए लोग जो on the spot thinking कर सकें, जो बहुत positive हों, जो दूसरे लोगों के साथ अपनी टीम में अच्छे से काम कर सके, जो दूसरों को मोटिवेट कर सके, जो अलग अलग गूगल के प्रोजेक्ट्स में पार्ट ले सके. देयर आर 20% प्रोजेक्ट्स इन गूगल, विच मीन्स कि आप 80% ऑफ अपना टाइम मेन जॉब को दे सकते हो और 20% ऑफ अपना टाइम किसी अलग प्रोजेक्ट को दे सकते हो, और वो प्रोजेक्ट कंप्लीटली आपकी चॉइस है. सो दे वॉन्ट दीज काइंड ऑफ पीपल हु हैव दैट एक्स फैक्टर, एंड बींग गूगली कैन नॉट बी डिफाइंड, बट इट जस्ट मीन्स दैट यू नीड टू हैव दैट राइट एटीट्यूड टू बी अ पार्ट ऑफ गूगल. Scores are not everything. अगर आप Google जैसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो डोंट थिंक कि अगर आप एक टॉपर रह चुके हैं अपने स्कूल या कॉलेज में तो आपका Google में पक्का हो जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज Google सिर्फ स्कोर्स नहीं देखता. एज आई सेड, इट लुक्स एट हाउ यू आर, योर पर्सनैलिटी, द वे यू बिहेव, द वे यू टॉक, द वे यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, द वे यू वर्क विद द टीम. यू नो, बींग गूगली एज दे से इज ऑल्सो कंसिडर्ड. प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है गाइज. अगर आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यू नीड टू नो द राइट
टेक्निक ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन. आपको मॉक इंटरव्यूज लेने चाहिए, आपको अपने मॉम डैड ब्रदर सिस्टर किसी को भी बिठा के यू शुड यू नो गेन एन आइडिया ऑन हाउ यू नो टू आंसर द क्वेश्चन इन अ वे दैट द पर्सन हु सिटिंग नेक्स्ट टू यू एक्चुअली कनेक्ट्स टू यू. आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है अपने बारे में और वो स्टोरी इतनी बिलीवेबल और इतनी रियल होनी चाहिए कि जो आपके अक्रॉस बैठा है उस इंसान को आपकी हर एक बात में पूरी 100% इंटरेस्ट होनी चाहिए और आपकी जो भी जर्नी रही है उससे उस बंदे को भी कुछ सीखना चाहिए कि ओ वाओ आई हैव लर्न दिस सो यू नो दिस इज व्हाट आई हैव गेन्ड आउट ऑफ दिस एंटायर एक्सपीरियंस. सो इट्स वेरी आइडियल कि आप कुछ स्टैंडर्ड जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं लाइक यू नो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट योर एजुकेशन, टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट योर करियर अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है, सो टेल अस अबाउट योर प्रीवियस जॉब, व्हाट वर योर की लर्निंग्स, व्हाट वर योर की फेलियर्स. यू नो सिर्फ स्ट्रेंथ्स जानना अपने बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है, फेलियर्स जानना भी इंपॉर्टेंट है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस सम की इंटरव्यू क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन एनी इंटरव्यू ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट गूगल. जिस भी रोल के लिए आप इंटरव्यू कर रहे हैं अगर आप उस रोल के किसी कॉर्पोरेट पर्सन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू लिंक्डइन, ड्रॉप देम एन ईमेल, यू नो जस्ट ट्राई एंड गेट इन टच विद देम एंड ट्राई एंड लर्न कि उनका ऑन द जॉब एक्सपीरियंस क्या है और उन क्वालिटीज़ को जो उन्होंने अपने ऑन द जॉब एक्सपीरियंस में यूज़ करी हैं उन्हें अपने इंटरव्यू में लाने की कोशिश कीजिए टू ट्राई एंड हाईलाइट दैट यू ऑल्सो हैव दोज क्वालिटीज़. आई नो इट्स अ वेरी लॉन्ग शॉट टू गेट होल्ड ऑफ समवन फ्रॉम गूगल हु इज़ डूइंग द सेम रोल, बट गाइज you have to keep trying and you know dropping emails to 100 people is not a big deal and what if one email clicks and that one person is able to give you the advice that can change your interview game altogether. So you have to keep trying, you have to practice those questions. I'm not saying ki mug up ya ratne ke liye nahi bol rahi hu, lekin definitely aapko itni aapki preparation strong honi chahiye that koi bhi aapse question pooch le to aapke paas uska answer ready hona chahiye. You should not be nervous, you should not fumble. That's another thing. Usually there's telephonic interview, then there are 2 to 3 rounds of interview. I think अगर आपने अपने subject matter के बारे में अच्छे से prepare करा है, जो भी आपका role है और उसके लिए क्या क्या technical qualifications या requirements हैं, जो minimum requirements हैं, उस subject matter पे आपकी knowledge 100% होनी चाहिए. Read करिए, Google का बहुत material online है, Google आप कर सकते हैं टू फाइंड आउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग. रिसर्च, बी वेरी वेल वर्स्ड विद योर टेक्निकल क्वेश्चंस, बी वेरी वेल वर्स्ड विद योर पर्सनल क्वेश्चंस एंड बी ओपन टू एनी न्यू काइंड ऑफ अ क्वेश्चन बिकॉज इट्स एट द एंड ऑफ द डे गूगल, दे कैन आस्क यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सो या आई होप दिस हेल्प्ड. आई नो मैं बहुत तेज सब कुछ बोल डाली एक साथ में. लेट मी नो इफ यू वॉन्ट एनी मोर वीडियोज ऑन दिस टॉपिक एंड हाउ यू वॉन्ट देम टू बी, सो आई विल डेफिनेटली कीप दैट इन माइंड. एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप इफ यू आर अप्लाइंग टू गूगल यू मेक इट एंड एट द एंड ऑफ द डे योर ड्रीम इज जस्ट द राइट प्रेपरेशन अवे. सो प्रिपेयर वेल एंड आई एम श्योर यू मेक इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लव यू गाइज. बाय.